मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पिछली रात इंदौर के साउथ तोड़ा इलाके में वहशी मासूम बच्ची को बहला फुसला कर एकांत में लेकर चला गया, जहां उसके साथ गलत हरकत करने का प्रयास करने लगा। इस दौरान बच्ची असहज महसूस करने लगी और उसने अपने बचाव में चिल्लाना शुरू कर दिया, जिस पर रहवासी एकत्रित हो गए और बच्ची को उस दरिंदे से बचाकर पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल बीती रात साउथ तोड़ा इलाके में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ गलत हरकत करने वाला गिरफ्तार शकील अली उर्फ रूबी नामक युवक को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है अपने पड़ोस में रहने वाले परिवार में काफी घुली मिली हुई थी, जिसके कारण वह अधिकांश समय उसी घर में बिताती थी। पड़ोस में रहने वाला परिवार भी उसे अपने बच्चों की तरह ही मानता था, जिसके कारण परिवार को कभी इस तरह की घटना होने की आशंका नहीं रही। लेकिन अचानक दूर के रिश्तेदार शकील अली उर्फ रूबी की गलत नजर मासूम पर पड़ी और उसने बीती रात मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। मौका पाकर रूबी उसे एकांत में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा, जिस दौरान बच्ची असहज हो गई और रूबी को इस तरह की हरकत करते देख घबराहट में अपने परिजनों को पुकारने लगी, जिस पर तुरंत सभी रहवासी मौके पर पहुंचे और शकील अली उर्फ रूबी से मासूम को बचाकर रूबी को पुलिस के हवाले किया। सर, बच्ची के साथ एक मामला कल रात 9 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई थी कि साउथ तोड़े में एक आई का बाड़ा है, वहां पर आरोपी रूबी नाम के एक लड़के ने बच्ची को ले जाकर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। क्या है? बच्ची की उम्र 3 साल है, वो अपने सामने खेलने जाया करती थी पड़ोसी के यहाँ पे, तो उन्हीं के यहाँ पे उनका एक रिश्तेदार आता था, उनकी ननद का लड़का रूबी आया करता था, तो वो उसको अक्सर खिलाने ले जाया करता था। लेकिन कल रात को वो उसको जब खिलाने लेके गया तो आई के बाड़े में अंदर की तरफ लेके गया, जहाँ वो कुछ उसके साथ गलत हरकत कर रहा था तो लोगों ने देख लिया था, उसके बाद पुलिस को सूचना दी। आरोपी गांधीनगर का रहने वाला है, लेकिन लड़की जहाँ की रहने वाली है उसके जस्ट सामने वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे आया करता था। इस रिकॉर्ड सामने अभी इस टाइप का कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। सब इंस्पेक्टर सीमा धाकड़।